हेलो फ्रेंड, नेचुरोपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर मसूड़ों में सूजन हो गया है, दर्द हो रहा है, उसमें ब्लीडिंग हो रही है, तो आप कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे कि प्रेशर पॉइंट चिकित्सा पद्धति से उस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मैग्नेट थेरेपी अप्लाई करके। तो आइए हम जान लेते हैं कि कहाँ पे है वो एक्यूप्रेशर पॉइंट जिसपे हमको ट्रीटमेंट करना है। तो अपने हाथों में आएंगे आउटर साइड, आउटर साइड में जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर के नेल के बेस में आप देख सकते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट दिख रही है आपको। टू वर्ड्स थंब, थंब के साइड में एक्यूप्रेशर पॉइंट पे करना क्या है आपको कि पहले प्रेशर देना है। इस पर आपको याद रखें कि बायलिटरल होगा, दोनों हाथों में होगा एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो इस पर आपको मैग्नेट थेरेपी अप्लाई करने से पहले इस पर प्रेशर देना है आपको। 4 से 5 सेकंड के लिए इस तरीके से प्रेशर देना है। अगर प्रेशर टूटी तो अपने थंब से आप प्रेशर दीजिए, प्रेशर से देना है 4 से 5 सेकंड के लिए। इसके बाद आपको अप्लाई करना है इस पर मैग्नेट। मैग्नेट के लिए आपको डॉल मैग्नेट चाहिए जो एक साइड से ये देख सकते हैं आप येलो और दूसरे साइड से वाइट दिखता है। तो हमारे स्किन को जो टच होगा आपको इस तरीके से पेपर टेप पे लगा लेना। व्हाइट भाग जो दिख रहा है वो स्किन को टच कराना है, येलो भाग विजिबल है, बाहर से विजिबल होगा ये। तो मैं अप्लाई करके दिखा देती हूँ। एग्जिट इसी पॉइंट पे आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं येलो जो है बाहर से दिख रहा है और जो स्किन को टच हो व्हाइट है, क्योंकि इस पॉइंट को हमको करना क्या है कि सडेट करना है। सेम इस फिंगर में भी, लेफ्ट और राइट हैंड में भी सेम करना है, व्हाइट स्किन को टच करना है, येलो बाहर से विजिबल होगा, आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपके मसूड़ों में सूजन हो गया था, ब्लीडिंग हो रही थी, इसके साथ साथ दर्द भी हो रहा था, उसमें राहत मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट चिकित्सा पद्धति बहुत ही कारगर चिकित्सा पद्धति होती है। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप खुद देखेंगे कि आप जैसे ही अप्लाई करेंगे थोड़े टाइम बाद आपको राहत मिलना स्टार्ट हो जाएगा। न मसूड़ों में दर्द रह जाएगा, न ब्लीडिंग की समस्या और न ही सूजन रह जाएगा। अगर आप दिन में लगा सकते हैं तो दिन में लगा लीजिए, नहीं भी अगर आपको टाइम मिला, बिजी है कहीं, तो आप रात को लगा के सो जाइए। सुबह तक देखेंगे कि आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा, सही हो जाएगा आपका जो दांत में सूजन हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो कमेंट में जरूर हमारे साथ शेयर करें, उस टॉपिक पे वीडियो बन जाएगी। थैंक यू।